ग्रेटर नोएडा इमारत हादसा, 3 की मौत, 3 लोग गिरफ्तार, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। कुमार ने कहा कि मलबा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें दबे लोगों के अब भी जीवित होने की संभावना है, इसलिए मशीनों का सावधानी से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। नोएडा। नोएडा के शाहबेरी गांव में बुधवार की रात 2 इमारतों के ढहने के सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 18 अन्य के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया है। हादसे की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया गया है। यहां 2 बहुमंजिला इमारतों के ढहने की घटना में 3 लोगों की मौत हुई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF के महानिदेशक संजीव कुमार अपनी टीम द्वारा किए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए मौके पर पहुंचे। उन्होंने बल को मलबे में फंसे लोगों को जल्द बाहर निकालने को कहा। कुमार ने कहा कि मलबा बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें दबे लोगों के अब भी जीवित होने की संभावना है, इसलिए मशीनों का सावधानी से इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बचाव अभियान गुरुवार तक पूरा हो जाएगा। वहीं मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक IG राम कुमार ने बताया कि बिसरख थाना क्षेत्र के शाहबेरी गांव में कल रात 6 मंजिला एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई। उसकी चपेट में आकर उससे सटी एक 5 मंजिला इमारत भी ढह गई। 3 शव निकले। उन्होंने बताया कि हादसे के बाद मलबे से अब तक 3 शव निकाले गए हैं तथा कई और लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि बिसरख पुलिस ने इस सिलसिले में करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। भूस्वामी गंगाशंकर द्विवेदी और दिनेश तथा संजय को गिरफ्तार कर लिया है, IG ने ये कहा। IG ने बताया कि अवैध इमारत का निर्माण करने को लेकर 18 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। कुमार ने बताया कि राहत और बचाव कार्य में 12 JCB मशीनें और 2 पोकलेन मशीनें लगाई गई हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी बृजेश नारायण सिंह ने घटना की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है। सिंह ने बताया कि इस मामले की अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुमार विनीत सिंह के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट जांच शुरू कर दी गई है।